वेक्टर्स के अंदर कुछ क्वांटिटीज फिजिक्स में ऐसी हैं जिनकी सिर्फ वैल्यू ही होती है, डायरेक्शन नहीं होती, और कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी वैल्यूज भी हैं और साथ में डायरेक्शन भी है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ टाइम की, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, 5 सेकंड है तो 5 सेकंड है, डायरेक्शन नहीं है। जैसे मैं बात करता हूँ मास की, किसी का मास अगर 5 kg तो 5 kg है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये सब क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ वैल्यू है, या वैल्यू बोलते हैं या मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड है या वैल्यू है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, जिसकी डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और जिनकी डायरेक्शन भी होती है। जैसे फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, ऊपर लगाई, नॉर्थ की तरफ लगाई, या एक्स एक्सिस के अलोंग लगाई, या नेगेटिव एक्स के अलोंग लगाई। मैंने मान लो वर्क डन किया, वर्क डन 10 जूल किया। अब वर्क डन या एनर्जी एक ही बात है, वर्क डन 10 जूल है, एनर्जी एक ही बात है। एनर्जी स्केलर होती है, एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, एनर्जी स्टोर हो जाती है किसी बॉडी में जाके। तो वर्क डन की भी क्या होती है, डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है। तो मैं अगर बात करूं स्केलर्स की, तो वर्क डन स्केलर है, टाइम स्केलर है, मास स्केलर है, ये सब स्केलर्स हैं। मैं बात करूं डायरेक्शंस की और वैल्यूज की, वेक्टर्स की, तो वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वैल्यू एंड डायरेक्शन दोनों मैटर करती है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, ये सब वेक्टर्स हैं। आप ये कहेंगे कि कैसे पता करते हैं कि कोई क्वांटिटी वेक्टर है या कोई क्वांटिटी स्केलर है, उसको पढ़ के ही पता किया जा सकता है, ऐसे उसको पता नहीं किया जा सकता। तो अगर मैं पूछूं कि लेट अस सपोज प्रेशर वेक्टर है कि नहीं, या सपोज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वेक्टर है कि नहीं, नहीं आप बता नहीं सकते, क्योंकि जब तक आप उसके बारे में ठीक तरह पढ़ेंगे नहीं, आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आप ये ढूंढने की कोशिश ना करें कि हमें पता ही लगता है जी कौन सी क्वांटिटी वेक्टर कौन सी स्केलर है, आपको नहीं पता लगेगा। हाँ, उनका पता लगेगा, उन क्वांटिटीज का, जिन क्वांटिटीज के बारे में ऑलरेडी आपको नॉलेज है, जैसे मास की नॉलेज है, टाइम की नॉलेज है, वो तो पता किया जा सकता है, लेकिन नई क्वांटिटी आपको मैं ही बताऊंगा वेक्टर है या स्केलर है। तो वेक्टर चैप्टर में सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज क्या हैं, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। तो ये एग्जाम्पल है, टाइम, मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब क्या है, स्केलर है। अगर आप बात करते हैं वेक्टर की, तो वो वेक्टर क्वांटिटीज क्या क्वांटिटीज है जिनकी बोथ मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी है, वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है। तो फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। आप डिफ्रेंशिएट कैसे करते हो किसी भी स्केलर क्वांटिटी में और वेक्टर क्वांटिटी में? तो इसको, वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीका है। क्या तरीका है? वेक्टर क्वांटिटी में जैसे वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आप इसके ऊपर एक एरो ड्रॉ करते हो। जिन क्वांटिटीज के ऊपर एरो होता है, एरो स्टैंड फॉर वेक्टर, तो वो क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट मींस इस वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू भी होगी और साथ में क्या होगी, इसकी कोई डायरेक्शन भी होगी। लेकिन अगर मैं मास की बात करता हूं, मास के ऊपर कभी एरो नहीं आता, तो मास की सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, वैल्यू होगी, वैल्यू को बोलते हैं मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। तो हम ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कोई क्वांटिटी वेक्टर है या कोई क्वांटिटी स्केलर है। तो पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। तो आज के बाद फिजिक्स में जिन जिन क्वांटिटीज पे एरो बना होगा, इसका मतलब वो क्वांटिटीज वेक्टर होंगी और उनकी डायरेक्शन भी होगी, और जिनके ऊपर एरो नहीं है, इसका मतलब वो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, उसकी डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहा। तो डेफिनेशंस क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, एक एरो। आप एक एरो ड्रॉ कर लें, वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैंने बताया कि फोर्स इज अ वेक्टर, तो फोर्स के ऊपर मैंने क्या ड्रॉ किया, एक एरो, और दिख रहा है जो फोर्स वेक्टर है वो कितने एंगल पे लग रहा है, एट एन एंगल ऑफ 30 degree विद एक्स एक्सिस। तो ये फोर्स वेक्टर 30 degree पे लग रहा है, ये साफ पता लग रहा है, राइट। जैसे ये रहा, मान लो एक कार है, कार इज गोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 meter per second या वेलोसिटी ऑफ 10 meter per second। तो ये 10 meter per second क्या है, वेलोसिटी की वैल्यू, वैल्यू को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड।
और साथ में कहां जा रही है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या लिखा, अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर मैं लिखता हूं वी के ऊपर वेक्टर, किसी भी क्वांटिटी के ऊपर जब वेक्टर लगा होगा तो मुझे दो चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। पहली चीज बतानी पड़ेगी मैग्नीट्यूड, और दूसरी चीज क्या बतानी पड़ेगी, डायरेक्शन। तो अगर मैं लिखता हूं वी वेक्टर, तो वैल्यू कितनी है इसकी, 10, और डायरेक्शन कहां है, अलोंग एक्स एक्सिस। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि अगर मैं कहूं कि ये वी वेक्टर है और वी वेक्टर की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, ये गलत है, क्योंकि जब मैंने वेक्टर लिख दिया तो मुझे दो ही चीजें बतानी है, वैल्यू एंड डायरेक्शन। क्लियर है यहां तक? और अगर मैं लिखता हूं अकेला वी, बस मैंने एरो हटा दिया, जब मैंने एरो हटा दिया इसका मतलब मैं अब आपसे सिर्फ क्या पूछूंगा, वेलोसिटी की वैल्यू या मैग्नीट्यूड पूछूंगा। एरो हटाने का मतलब डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या लिखूंगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर तो मैंने वी के ऊपर एरो बना दिया तो मैं वैल्यू और डायरेक्शन दोनों लिखूंगा, और अगर मैंने एरो नहीं बनाया तो मैं सिर्फ किसकी वैल्यू लिखूंगा, वैल्यू या मैग्नीट्यूड ही लिखूंगा, जिसकी वैल्यू कितनी है, 10। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि वी वेक्टर का मॉड, वी वेक्टर का मॉड का मतलब, उसका मतलब भी सेम होता है जो ये होता है। वी वेक्टर का मतलब, का मॉड का मतलब है कि आपको क्या बताना है, इसकी सिर्फ वैल्यू बतानी है। मतलब कि अगर जब मॉड लग जाता है, मॉड का मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, तो आपको डायरेक्शन नहीं बतानी। तो आप अगर v वेक्टर की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड अलोंग x एक्सिस है और मैं लिखता हूं कि v वेक्टर का मॉड बताओ, इसका मतलब आप मुझे सिर्फ क्या बताएंगे, मैग्नीट्यूड बताएंगे। तो इसका आंसर भी क्या लिखेंगे, 10 मीटर पर सेकंड। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर अगर तो v वेक्टर लिखते हैं वैल्यू एंड डायरेक्शन, अगर v लिखते हैं ओनली वैल्यू, अगर v वेक्टर का मॉड लिखते हैं ओनली वैल्यू। तो ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रही है सबको, राइट? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन में गिवन है अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एंड अलोंग एक्स एक्सिस नहीं आएगा, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ऐसे तो मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, जो वेलोसिटी वेक्टर है, करेक्शन कर लेना इसमें शीट में, ठीक? तो जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो मैं क्या बता रहा हूं, मैं इसकी वैल्यू भी बता रहा हूं, साथ में इसकी डायरेक्शन भी बता रहा हूं। तो ये वी वेक्टर हो गया। अगर मैं वी वेक्टर के आगे मॉड लगा दूं तो सिर्फ और सिर्फ क्या वैल्यू आएगी, 50, डायरेक्शन छोड़ दो। या अगर मैं अकेला वी बता रहा हूं तो भी आंसर क्या आएगा, 50, डायरेक्शन छोड़ दो। तो आपको रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रही है यहां तक, राइट? ऑनलाइन वालों क्लियर है? Yes. ठीक, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ वेक्टर। देखो वेक्टर्स का चैप्टर या वेक्टर्स का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होने चाहिए कि कितने टाइप के वेक्टर्स हैं। कुछ वेक्टर्स के टाइप्स काफी इंपॉर्टेंट हैं और कुछ वेक्टर के जो टाइप्स हैं वो कुछ ऐसे हैं कि आपको बस जो है बस पता ही होना चाहिए, अदरवाइज इसकी एप्लीकेशन थोड़ी कम रहती है। सबसे पहला टाइप ऑफ वेक्टर जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है इक्वल वेक्टर। आपने याद कुछ नहीं करना है इसमें, आपको अगर याद करना है नहीं, कोई डेफिनेशन आएगी नहीं आपको, बस आपको मतलब पता होना चाहिए व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स हैं, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल व्हेन दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू सेम है और डायरेक्शन भी सेम है तो वो इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। जैसे एक मान लो ए वेक्टर है, दूसरा मान लो बी वेक्टर है। आपको कह सर ये ए वेक्टर बी वेक्टर क्या चीज़ है? अब वेक्टर क्वांटिटी तो कुछ भी हो सकती है, वेक्टर तो वेलोसिटी भी हो सकता है, वेक्टर फोर्स भी हो सकता है, वेक्टर कुछ भी हो सकता है। तो मैं हर बार थोड़ा ना बोलूँगा कि इस बार ये फोर्स है, इस बार ये वेलोसिटी है। तो मैंने नाम नहीं लेना कि किस वेक्टर की बात कर रहे हैं, वेक्टर के रूल तो सभी वेक्टर क्वांटिटीज में सेम ही लगते हैं। तो मैंने कुछ भी नाम दे दिया ए वेक्टर, कुछ भी नाम दे दिया बी वेक्टर। ये वेलोसिटी भी हो सकते हैं ए एंड बी, और ये फोर्स भी हो सकते हैं, ये एक्सेलरेशन भी हो सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। तो इन जनरल हम बात करते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर। तो ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 10 यूनिट्स। अगर ये फोर्स हुआ तो यूनिट 10 न्यूटन कर लेंगे, और अगर ये वेलोसिटी हुई तो 10 मीटर पर सेकंड कर लेंगे। तो अगर एक वेक्टर ए वेक्टर है 10
और डायरेक्शन कहाँ है अलॉन्ग एक्स एक्सिस. दूसरा वेक्टर क्या है बी वेक्टर, वैल्यू कितनी है 10, डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस. तो मुझे एक बात बताओ दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम, दोनों की डायरेक्शन एग्जैक्टली, जब वैल्यू भी सेम डायरेक्शन भी सेम तो ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के इक्वल माने जाएंगे, बोथ आर इक्वल वेक्टर्स. लेकिन अगर वैल्यू सेम लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं फिर वो इक्वल वेक्टर नहीं है. कुछ भी अगर डिफरेंस आ गया दोनों में फिर वो इक्वल वेक्टर नहीं होंगे. तो अगर इक्वल वेक्टर है तो दोनों की वैल्यू भी सेम होगी और दोनों की डायरेक्शन भी सेम होगी. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो अगर ये इक्वल वेक्टर्स हैं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इनके बारे में कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ऐसा लिख, ये बिल्कुल ट्रू है, ऐसा लिख सकते हैं. तो ए वेक्टर जब बी वेक्टर के इक्वल है इसका मतलब दोनों की वैल्यू भी सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है. कोई डाउट इसमें? तो ये वेक्टर्स हम क्या बोलेंगे, बोथ आर इक्वल वेक्टर्स, राइट. नेक्स्ट है, सपोज करो आपके पास एक कार है, एक कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड. कहाँ मूव कर रही है? अलोंग नॉर्थ. तो एक कार की मैं क्या बता रहा हूँ आपको, वेलोसिटी वेक्टर. तो कार का वेलोसिटी वेक्टर, जब मैंने बोल दिया वेक्टर ऊपर लग गया एरो तो मुझे दो चीज़ें बतानी है, वैल्यू बतानी है और साथ में डायरेक्शन बतानी है. तो v1 वेक्टर को क्या लिखेंगे, 50 मीटर पर सेकेंड मैंने क्या बताई इसकी वैल्यू और साथ में क्या बताई इसकी डायरेक्शन. डायरेक्शन क्या है? अलोंग नॉर्थ, बिल्कुल सही है. एक और कार है उसकी v2 वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी है 50, डायरेक्शन कहाँ है अलोंग नॉर्थ. तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ दोनों की वैल्यू भी सेम है, दोनों की वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम है, तो यानी कि v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स. कोई डाउट इसमें? तो v1 वेक्टर v2 वेक्टर इक्वल वेक्टर है क्योंकि वैल्यू भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है. क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, नेगेटिव वेक्टर्स. नेगेटिव वेक्टर्स क्या है? देखो नेगेटिव वेक्टर है कि आपके पास अगर मान लो कोई a वेक्टर है, a वेक्टर है और मैं a वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लिखना चाहता हूं या बनाना चाहता हूं. नेगेटिव वेक्टर का मतलब है कि a वेक्टर के आगे साइन माइनस लगाना, माइनस a वेक्टर का मतलब नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए वेक्टर. तो अगर आपके पास कोई वेक्टर ए वेक्टर है और आप क्या बनाना चाहते हो, माइनस ए वेक्टर, तो वेक्टर में माइनस साइन क्या बताता है, डायरेक्शन हैज चेंज्ड, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. क्लियर है? तो यानी कि अगर ए वेक्टर राइट है तो माइनस ए वेक्टर कहां पर होगा, लेफ्ट हो जाएगा. विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एकदम रिवर्स हो जाएगी. क्लियर है यहां तक? तो ए वेक्टर कहां पर है, इस तरफ है, माइनस ए वेक्टर, डायरेक्शन चेंज्ड. हम एक काम करते हैं, एग्जांपल के साथ समझते हैं. एक कार की वेलोसिटी वेक्टर वी वेक्टर है और वी वेक्टर का मतलब मैं दो चीजें बताऊंगा, वैल्यू एंड डायरेक्शन. वैल्यू मान लो इसकी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, अलोंग कहां है एक्स एक्सिस. तो अगर मैं इस वेलोसिटी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लूं तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब ये कार की डायरेक्शन मुझे क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स. याद रखना माइनस वेक्टर का मतलब बिल्कुल भी नहीं कि ये वैल्यू माइनस 10 हो जाएगी. ये सबसे कॉमन मिस्टेक है लोगों की कि माइनस 10 कर दो ना. वैल्यू मैग्नीट्यूड इस चैप्टर में कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहेगा. तो फिर माइनस साइन क्या कर रहा है, क्या बता रहा है, डायरेक्शन. तो डायरेक्शन एकदम क्या कर देनी है, ऑपोजिट. तो यानी कि अगर एक कार इधर मूव कर रही है विद 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, माइनस वी वेक्टर का मतलब कि वही कार मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस.
क्लियर है यहाँ तक? तो याद रखना, जब आप किसी भी पॉजिटिव वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लेते हैं तो आप वैल्यू में कोई चेंज नहीं करते, 10 और 10 ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर देंगे। जैसे लिखा हुआ है, नेगेटिव वेक्टर क्या है, एक ऐसा वेक्टर है हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट हैविंग डायरेक्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी वेक्टर की। जैसे मैग्नीट्यूड सेम है, नेगेटिव साइन फॉर डायरेक्शन। नेक्स्ट जो वेक्टर है उसका नाम है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स हैं कि अगर मान लो आपके पास एक बॉक्स है, एक बॉक्स की से आप खींच रहे हो बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ ए वेक्टर, तो आपने फोर्स लगाई इस तरफ, वहीं से एक और स्टूडेंट खींच रहा है फोर्स लगा रहा है इस तरफ, वहीं से एक और स्टूडेंट खींच रहा है फोर्स लगा रहा है इस तरफ, तो स्टार्टिंग पॉइंट सभी वेक्टर का एग्जैक्टली सेम है, पर डायरेक्शंस ए की, बी की और सी वेक्टर की डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड तीनों का डिफरेंट है, कोई 10 न्यूटन फोर्स लगाता है, कोई 2 न्यूटन फोर्स लगाता है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। तो अगर सभी वेक्टर्स के स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो उन वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स। क्लियर है यहां तक? ठीक, तो बस इतना इंपॉर्टेंस है, कोई खास नहीं इसमें। नेक्स्ट है को टर्मिनस वेक्टर। कोई ऐसे वेक्टर्स हैं जो ना बहुत कम यूज होते हैं, उनमें से को टर्मिनस है, मतलब साल में एक ही बार मैं ये वर्ड यूज करता हूँ को टर्मिनस, अब मैं अगले साल यूज करूंगा जब दूसरा प्लस वन का बैच आएगा, बस एक ही दिन एक मिनट के लिए। को टर्मिनस जब एंडिंग पॉइंट सभी वेक्टर का सेम है, तो जैसे एक बॉक्स पड़ा है, किसी ने उठा के फोर्स लगाई, दूसरे ने भी यहीं पर फोर्स लगाई, तीसरे ने भी यहीं पर फोर्स लगाई, तो सबने एक ही पॉइंट पर फोर्स लगाई, तो एंडिंग पॉइंट फोर्स का पहले पुल कर रहे थे, अब पुश कर रहे हैं, तो अब डायरेक्शन चेंज हो गई, तो एंडिंग पॉइंट सेम है सभी वेक्टर्स का, इसको बोलते हैं को टर्मिनस वेक्टर। हालांकि ये बहुत ज़्यादा टर्म यूज होती नहीं है, ठीक, बट हाँ क्योंकि अब लिस्ट कर रहे हैं तो हम लिस्ट में एक बार पढ़ते जाएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट वैक्टर्स है मैं आपको बताता जाऊँगा। इंपॉर्टेंट वैक्टर में नेगेटिव वैक्टर है, इंपॉर्टेंट वैक्टर में इक्वल वैक्टर है, इंपॉर्टेंट वैक्टर, ये भी कोलिनियर, एक बड़ा सिंपल सा सिंपल डेफिनेशन है कोलिनियर वैक्टर की। कोलिनियर वैक्टर्स हैं जब दो वेक्टर्स के बीच में, जो दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है या दो वेक्टर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो उन दो वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। जैसे ये एक वेक्टर है इस तरफ, दूसरा वेक्टर भी इस तरफ, तो इसकी डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसकी डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो बताओ दो वेक्टर में एंगल क्या बनेगा? शाबाश, 180, वाह, मैं भी इधर जा रहा हूँ, आप भी इधर जा रहे हो, वी आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन का मतलब एंगल क्या बनेगा? जीरो। अच्छा, अब एक मान लो डायरेक्शन इधर है, एक कार इधर जा रही है, एक ऑपोजिट जा रही है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा? 180। तो यानी कि दो वैक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में तो एंगल इनके बीच में जीरो, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, या दो डायरेक्शन ऑपोजिट हैं, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, बात एक ही है। जब हम बोलते हैं ना कि वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालो, तो मैं ये नहीं कहता दो लाइंस के बीच में एंगल निकालो। कई लोग ये सोचते हैं कि इन इन दो वेक्टर्स के बीच में ये ज्वाइन तो हुए नहीं, एंगल कैसे निकालें? ना ना, डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन कहाँ है? एक्स एक्सिस। बी वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ है? एक्स एक्सिस, एंगल जीरो। आपने लाइंस ज्वाइन कर करके एंगल नहीं देखने, आपने अपने मन से पूछना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ है। जैसे एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, अब देखा जाए मैथ्स के अकॉर्डिंगली इनमें एंगल तो बन ही नहीं रहा। हाँ, अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ तो ये कहाँ जा रहा है? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये कहाँ जा रहा है? अलोंग नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स एक्सिस में एंगल क्या बनेगा? 180। तो ये सब कोलिनियर वैक्टर्स हैं, चाहे ए वैक्टर और बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डायरेक्शन अगर सेम है या ऑपोजिट है तो वो कोलिनियर वैक्टर्स हैं, बस नाम पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है, लिखा हुआ है जीरो या 180। पोजीशन वेक्टर, ये बहुत काम आने वाली चीज है, पोजीशन वेक्टर इंपॉर्टेंट है, पोजीशन वेक्टर्स काफी काम भी आते हैं। पोजीशन वेक्टर्स क्या हैं? देखो, अगर आप पोजीशन वेक्टर्स देखना चाहते हो तो पोजीशन वेक्टर में सपोज करो ये आपके पास कोई एक्स एक्सिस है और ये आपके पास कोई वाई एक्सिस है। मैं आपको अगर ये बोलूं कि मैं ए पॉइंट पे खड़ा हूं, ठीक है, मैं ए पॉइंट पे खड़ा हूँ, और ए पॉइंट आपने पूछा कहाँ पर है, मैंने कहा 5 मीटर पे है। आपने कहा 5 मीटर पे है, कहाँ से 5 मीटर पे है भाई? तो अपने घर से बता रहे हो 5 मीटर, कोई पोल से 5 मीटर, कोई बेंच से 5 मीटर, कोई ऑफिस से 5 मीटर, कोई रेफरेंस पॉइंट तो होता होगा कि हवा में बस 5 मीटर पे हूँ, कहाँ से लूँ 5 मीटर?
तो आपको पोजीशन बताने के लिए सबसे पहला काम क्या ढूंढना पड़ेगा, कोई रेफरेंस पॉइंट। और नॉर्मली मैथ्स में रेफरेंस पॉइंट क्या लिया जाता है, ओरिजिन। तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, क्लियर है यहां तक? तो अगर मैं ये बोलता हूं कि मैं अब ए पॉइंट पे हूं, और कहां से, ओरिजिन से, हम डिस्टेंसेस कहां से ले रहे हैं, ओरिजिन से, तो अगर मैं ये पूछूं कि ए पॉइंट की पोजीशन बताओ क्या है, तो मैथ्स में बहुत इजीली बताई जा सकती है, बोलो क्या करें, इसके क्या निकाल दें, कोऑर्डिनेट्स। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स आपको बता दूं x, y, इसका मतलब मैं आपको ए पॉइंट की क्या बता रहा हूं, पोजीशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक। अब फिजिक्स वालों के पास आ जाओ कि सर ए पॉइंट की पोजीशन बताओ। अब फिजिक्स वाले x, y नहीं बोलेंगे, वो तो मैथ्स वाले बोलते हैं। फिजिक्स वाले क्या बोलते हैं, वो कहते हैं देख ए पॉइंट तक जाना है तेरे को, मैंने कहा जाना है, कहां से जाना है, फ्रॉम ओरिजिन जाना है। तू तो एक काम कर, तू ओ पॉइंट से, इस ओरिजिन से बिल्कुल सीधा चलता जा। मान लो ओ और ए में डिस्टेंस 5 मीटर है, मान लो ओ और ए में डिस्प्लेसमेंट रादर 5 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 5 मीटर है। अब क्या कहोगे फिजिक्स वाला, एज अ फिजिक्स के स्टूडेंट आप कहोगे कि ठीक है, तो ओरिजिन से चलना स्टार्ट हो, 5 मीटर तक सीधा चलता जाइयो, गोल गोल मत घूमियो, बिल्कुल स्ट्रेट चलता जाइयो, सीधा चलता जाइयो, तो ए पॉइंट पर पहुंच जाएगा। इमेजिन करो कि मैं आपको ये डायग्राम नहीं दिखा रहा, इमेजिन करो आपसे फोन पे पूछ रहा हूँ कि भैया मुझे ए पॉइंट पर पहुंचना है, ओरिजिन से मैं कैसे पहुंचूं, आप क्या कहोगे, सुन तो ओरिजिन पे खड़ा है, मैं कहूँगा हाँ ओरिजिन पे खड़ा है, कहाँ पहुंचना है, ए पर पहुंचना है, तो क्या बोलोगे, बिल्कुल सीधा चलता जा, 5 मीटर ए तक पहुंच जाएगा। अब ठीक है मैं सीधा चलता हूँ, ये मैं सीधा चलता 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 चला गया, मैं पहुंचा ही नहीं ए पॉइंट पर, तो सीधा मान लो मैंने सीधा जाना है ना, ये लो ये लो, ये मैं सीधा चला गया 5 मीटर, मैं पहुंचा ही नहीं। आपने कहा सीधा चलना है 5 मीटर, तो मैं सीधा चला हूँ 5 मीटर, में पहुंचा ही नहीं। आपने कहा दोबारा ट्राई कर, ये लो मैं सीधा चला 5 मिनट में, फिर नहीं पहुंचा। तो आपने कहा तो जा कहाँ रहे, मैंने कहा 5 मीटर पे। तो आपने कहा यार ध्यान से, अगर ए पॉइंट तक जाना है ना, तो आपको साथ में क्या बतानी पड़ेगी मेरे को, डायरेक्शन की, एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री पे 5 मीटर पे चल, तब ए पे पहुंचेगा। तो सिर्फ 5 मीटर बोलना सफिशिएंट नहीं है, मानते हो ये चीज। अगर मैं एंगल बताऊंगा, अब एंगल 30 डिग्री पे मैं बोल सकता हूं कि अब मैं ए पॉइंट तक पहुंच सकता हूं। अगर मैं एंगल नहीं बताऊंगा, एंगल बताने का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन बताना। एंगल का मतलब मैं वो डायरेक्शन बता रहा हूं, 30 डिग्री पे चला जा, मतलब डायरेक्शन बता रहा हूं, इस एंगल पे चला जा। तो एंगल बताने का मतलब डायरेक्शन बताना। तो अब एज अ फिजिक्स स्टूडेंट मैं आपको क्या बता रहा हूं, ए पॉइंट पर अगर पहुंचना है तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ए पॉइंट पर पहुंचने के लिए 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करनी पड़ेगी, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री करनी पड़ेगी। ए पॉइंट पर 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करनी पड़ेगी और एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री करनी पड़ेगी, राइट? तो आपको लग नहीं रहा, मैं आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कुछ वेक्टर बता रहा हूं, मैं आपको वेक्टर बता रहा हूं किसी चीज का, क्या कि मैं आपको वैल्यू बता रहा हूं, साथ में डायरेक्शन बता रहा हूं, और जिससे आप कहां पर पहुंच रहे हो, ए पोजीशन पे पहुंच रहे हो। तो इसीलिए ये जो वेक्टर होगा ये क्या कहलाएगा, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो रूल नंबर 1, पोजीशन वेक्टर हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, फ्रॉम ओरिजिन। कहां पे जाएगा, जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, जैसे ए का निकालना है, ए तक ज्वाइन कर दो वेक्टर। फिर आपको दो चीजें बतानी पड़ेंगी पोजीशन वेक्टर में, इसकी लेंथ बतानी पड़ेगी और साथ में आपको डायरेक्शन के लिए एंगल भी बताना पड़ेगा, क्लियर है यहां तक? जैसे कोई अगर कहे कि मुझे बी पॉइंट की पोजीशन बताओ क्या है, तो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगा, आप ओरिजिन से लेके बी तक क्या करोगे, ये लो ये क्या बन गया, एक पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो पोजीशन वेक्टर आपको क्या बताएगा, ए या बी पॉइंट की पोजीशन बताएगा, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक? अब इसमें अगर आप ये देखें अपने असाइनमेंट, तो मैंने भी यही कहा क्या कि पी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, या तो मैथ्स का तरीका है एक्स कॉमा वाई कर देंगे, या फिर क्या करेंगे इसका पोजीशन वेक्टर बताएंगे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर पी पॉइंट तक जाना है तो ये ओपी वेक्टर हो गया, नाम तो कुछ भी लिख लो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ओपी वेक्टर, तो ओपी वेक्टर इज नोन एज द पोजीशन वेक्टर ऑफ
पी पॉइंट, तो ओपी वेक्टर नाम दे दिया। अब ओपी वेक्टर को लिखने का आगे फर्दर तरीका क्या है, आपको ओपी की लेंथ बतानी पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट बतानी पड़ेगी जैसे 15 मीटर, और साथ में क्या बताना पड़ेगा, इसका एंगल बताना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया। वेक्टर का मतलब आपको वैल्यू भी बतानी है और साथ में इसकी डायरेक्शन बतानी है। तो वैल्यू मैंने कितनी बताई, 15, डायरेक्शन के लिए मैंने क्या बताया, एंगल। तो क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, वैल्यू एंड डायरेक्शन, तो ये कौन सा वेक्टर कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? तो ज्यादातर पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप आरए वेक्टर और आरबी वेक्टर यूज करते हो, जैसे ऐसे यूज करते हो। मान लो आपको ए पॉइंट की पोजीशन बतानी है, तो आप ऐसा करते हो, ए पॉइंट तक ये वेक्टर लिखो, तो आप लिखते हो दिस इज आरए वेक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। उसी तरीके से आप यहां पर बी पॉइंट लिखते हो और बी पॉइंट तक एक वेक्टर लेके जाते हो, तो दिस इज नोन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर। तो ये आपके पास क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पॉइंट, राइट। क्या कैसे काम आएगा आगे, ये आगे आने वाले टाइम में समझ में आएगा, अभी सिर्फ समझ लो कि वेक्टर होता क्या। ठीक है, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट कैसे काम आएगा ये वेक्टर, ये अभी आने वाले टाइम आपको बताएगा, जब इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे ना तब हम यूज करेंगे। पर न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको प्रॉपर ना पूरे वेक्टर समझने पड़ते हैं कि वेक्टर्स है क्या। अब एक और इंपॉर्टेंट वेक्टर है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या होता है, मान लो आप पी पॉइंट पे हैं एट टाइम स्मॉल टी, आपकी पोजीशन क्या है एट किसी भी टाइम इंस्टेंट टी पे, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पॉइंट। तो आप कहां पर खड़े हुए हैं, यहां पे खड़े हुए हैं। पोजीशन वेक्टर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप यहां से यहां चल के गए हैं, ना, आप यहां पे खड़े हैं और आपका रेफरेंस पॉइंट ये है, तो यहां से इतनी दूरी पे खड़े हैं और आप कहां गए चल के, आप पी से क्यू पे पहुंच गए, तो अब आपकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज। तो आपकी पोजीशन क्या हो गई, क्यू पोजीशन होगी। तो इस नई पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए नया पोजीशन वेक्टर, तो नया पोजीशन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय OQ वेक्टर। तो यानी कि पहले P और फिर Q, तो पहले आप OP वेक्टर पे हैं, फिर आप OQ वेक्टर पे हैं, तो आपने पोजीशन चेंज कर ली। लेकिन रियलिटी में आप मूव कैसे कर रहे हैं, फ्रॉम P टू Q, तो एक वेक्टर ये ड्रॉ करें P से Q तक, तो इसका नाम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है यहां तक? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा कि एक्चुअल में आप कहां से कहां जा रहे हैं, एक्चुअल में आप P से कहां जा रहे हैं, Q पे जा रहे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं तो आपकी दो पोजीशंस क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कैसे आपने दो पोजीशंस रिप्रेजेंट की, कैसे आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट किया। तो पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट का ये कॉम्बिनेशन न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, बस ये अभी सीख लें कि पोजीशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है पोलर वेक्टर्स। मैं इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा समझता नहीं हूँ, मैंने आज तक ये यूज होते भी नहीं देखे वैसे ज़्यादा कभी। एक लाइन में बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी नहीं है इस डेफिनेशन में। पोलर वेक्टर्स दैट आर वेक्टर्स विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड पोलर वेक्टर्स। अब देखो ये बड़ा अजीब सी डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है या स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे कार है, आप कार की वेलोसिटी रिप्रेजेंट करते हो, कार के ऊपर एक वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करते हो, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक, जैसे आप रिप्रेजेंट करते हो पोजीशन वेक्टर, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओरिजिन, तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है वो, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, वो पोलर वेक्टर भी है। तो जिनका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, जैसे आपका पोजीशन वेक्टर जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन है, वो पोलर वेक्टर है। लेकिन अगर कोई कार मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी वेक्टर अभी इधर है, दो घंटे बाद कार वहां चली गई, तो वेक्टर इधर चला गया, वेक्टर इधर, पोजीशन वेक्टर कभी चेंज नहीं होता। लेकिन पोलर वेक्टर जो स्टार्टिंग पॉइंट जिनका सेम रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर्स। हालांकि ये डेफिनेशन कभी यूज नहीं होती, आप इसको छोड़ भी सकते हैं या कभी इसको हम यूज करेंगे नहीं, इसको रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी हमें। ठीक, एक्सियल वेक्टर चाहिए हमें, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर इंपॉर्टेंट है। एक्सियल वेक्टर क्या होता है, ध्यान से समझना, जो एक्सियल वेक्टर है ना, इनकी एप्लीकेशन जो है
वो रोटेशनल मोशन में है, जब चीजें घूमती हैं। शायद आपने एक टर्म सुनी होगी, टॉर्क। टॉर्क, टॉर्क कब जनरेट होता है? जब कोई बॉडी रोटेट करती है, या ऐसा बोल सकते हैं किसी भी बॉडी को अगर रोटेट करना है तो उसमें टॉर्क चाहिए। बिना टॉर्क के बॉडी रोटेट नहीं कर सकती। ये टर्म आएगी, हम करेंगे, आगे चैप्टर आएगा टॉर्क का। आपने वो देखा होगा, वो बच्चे खेलते हैं, एक छोटा सा वो हेलीकॉप्टर सा होता है कुछ ऐसा, ऊपर पंखे लगे होते हैं दो, तो आप ऐसे घुमाते हैं तो हेलीकॉप्टर ऊपर जाता है, उड़ता जाता है। देखा आपने, ऐसे घुमाते हैं तो उड़ता उड़ता ऊपर जाएगा। कई बार बच्चे उल्टा घुमा देते हैं, हमने हाथ पे जाके स्ट्राइक करता है वो। उड़ाने के लिए ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे ही उड़ सकता वो, राइट? अच्छा, ऐसे ना सही, हेलीकॉप्टर देख लो, एक्चुअल हेलीकॉप्टर। एक्चुअल हेलीकॉप्टर के ऊपर पंखा लगा हुआ है, वो पंखा कैसे घूमेगा? वो ऐसे ही घूमेगा अगर हेलीकॉप्टर उड़ाना है। उल्टा नहीं पंखा घूमेगा कभी भी, उल्टा घूमेगा हेलीकॉप्टर नीचे गिर जाएगा, ऐसे ही घूमेगा। अभी कैसे पता लग रहा है ऐसे ही घूमेगा, ऐसे क्यों नहीं घूमेगा? ये एक टॉपिक आएगा रोटेशनल मोशन, उसमें स्टडी करवाया जाता है कि जब कोई भी हेलीकॉप्टर या कोई चीज घूमती है, पंखा घूम रहा है, तो जब कोई पंखा घूम रहा है इस डायरेक्शन में, देखो इधर चार फिंगर्स हैं इस डायरेक्शन में, राइट हैंड थंब रूल, थंब कहां जा रहा है? ऊपर। पंखा ऐसे घूमता है। हेलीकॉप्टर क्यों उड़ता है? क्योंकि जब कोई आप पंखे को ऐसे घुमाते हो तो टॉर्क जनरेट करता है, और टॉर्क की जो डायरेक्शन होती है ना, थंब की तरफ होती है। तो आपने रोटेशन इस प्लेन में रखी, थंब कहां आया? ऊपर। तो ये हेलीकॉप्टर कहां जा रहा है? ऊपर, क्योंकि इसमें टॉर्क कहां प्रोड्यूस हो रहा है? ऊपर। टॉर्क ऊपर, टॉर्क होने का मतलब बॉडी रोटेट कर रही है और बॉडी उड़ना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि टॉर्क रोटेशन स्टार्ट हो जाती है जिस वजह से वो ऊपर जाता है। तो डायरेक्शन हेलीकॉप्टर की ऊपर जाएगी, लेकिन अगर आपने पंखा उल्टा घुमा दिया तो थंब कहां आ गया? तो नीचे गिरेगा। अब जो आपका रोटेशन है वो ऐसा है, वो मान लो ऐसा है, तो अगर वो ऐसा है तो कोई बॉडी कैसे घूमेगी? ऊपर, ऊपर उड़नी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर ऐसी है तो कहां जाएगी? नीचे जानी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप किसी भी डिस्क को भी, कोई भी एक डिस्क है, उसको गोल गोल घुमा दो, बिल्कुल गोल घुमा के छोड़ दो, तो बहुत तेज अगर घूम रही है तो उस केस में उसकी थोड़ी सी अपर मूवमेंट भी हो सकती है, क्योंकि इसमें क्या जनरेट हो जाता है? टॉर्क वेक्टर ऊपर की तरफ। अगर डिस्क ऐसे घूमती जा रही है तो ऊपर उड़नी स्टार्ट हो जाती है वो, राइट? तो कोई भी बॉडी जब ऐसे घूमेगी तो उसमें टॉर्क जनरेट होगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, जो उसको ऊपर ले जाएगा। तो ये जो टॉर्क है वो कहाँ एक्ट करता है? इसके एक्सिस पे। एक्सिस समझते हो, जिसके बीच में से पास कर रहा है वो क्या कहलाता है? एक्सिस। तो टॉर्क कहां पर जा रहा है? इसके एक्सिस पे। तो जो वेक्टर इस प्लेन में काम नहीं कर रहे, रोटेशन इस प्लेन में है, पर वो वेक्टर कहां काम कर रहा है? इसके एक्सिस पे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ऐसे वेक्टर को एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। और एक्सियल वेक्टर में जो मैंने एग्जांपल दिया वो किसका दिया? टॉर्क का दिया। हालांकि और भी एग्जांपल्स हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ये आप समझ नहीं पाएंगे अभी, क्योंकि ये टॉपिक अभी आपने नहीं किया, आपने टॉर्क भी नहीं किया रादर। पर मैं आपको एक सिंपल तरीके से सिखा रहा हूं कि ये जो वेक्टर जो एक्सिस के अलोंग काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ये एक्सियल वेक्टर है, कोई डाउट इसमें? ठीक। तो दी वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशन इफेक्ट, बताया ना ये सारा काम किसमें होता है? जो बॉडी क्या करती है? रोटेट। बिना रोटेशन के एक्सियल वेक्टर नहीं आता। तो जिनमें बॉडीज रोटेट करती हैं, एंड वो वेक्टर कहां एक्ट करता है? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अकॉर्डेंस विद राइट हैंड स्क्रू रूल। तो मैं वो बताता है स्क्रू रूल, ऐसे स्क्रू को नीचे जाएगा, ऐसे स्क्रू ऊपर आएगा। मैं राइट हैंड थंब रूल बताता हूं, एक ही बात है, ये ज्यादा बेटर है। ऐसे घूम रही है बॉडी तो ऊपर जाएगी, सिंपल है, क्लियर है? तो ये एक्सियल वेक्टर है। वेक्टर का मतलब ये होता है कैरियर, जब कोई चीज कैरी करके लेके जाता है। वेक्टर वर्ड कैरियर से आया, चाहिए नहीं वैसे नॉलेज के लिए लिखा, वेक्टर कहां से आया? द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन, जिनकी पक्की डायरेक्शन नहीं है, कुछ भी हो सकती है डायरेक्शन, एंड हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन, और वैल्यू भी डिफरेंट हो सकती है अलग अलग डायरेक्शन में, उन क्वांटिटीज को हम क्या नाम देते हैं? टेंसर। अब टेंसर क्या चीज है? टेंसर वो है, देखो क्वांटिटी तो दो ही होती हैं, या तो होता है स्केलर, बिल्कुल डायरेक्शन होती नहीं, या होता है वेक्टर, वैल्यू भी होती है और एक डायरेक्शन होती है। वेक्टर क्वांटिटी की दो डायरेक्शन कभी नहीं होती, वेक्टर क्वांटिटीज की हमेशा
एक ही डायरेक्शन होती है, राइट। लेकिन टेंसर क्वांटिटीज ना तो पूरी तरह स्केलर है ना पूरी तरह वेक्टर है, ये कहीं बीच में फंस गए। जैसे प्रेशर, आप इस रूम में क्या करें, पानी भर दें, तो दीवार पे हर पानी दीवार पे क्या लगाएगा, छत पे, फ्लोर पे, प्रेशर यहां अलग लगाएगा, दीवार पे कम लगाएगा, फ्लोर पे ज्यादा लगाएगा, पानी का वेट लगेगा ज्यादा, दीवार पे कम लगाएगा, छत पे और कम लगाएगा, प्रेशर डिफरेंट है। डायरेक्शन, इधर प्रेशर क्या होगा, उधर क्या होगा, उधर क्या होगा और उधर क्या होगा, प्रेशर की डायरेक्शन भी बता रहा हूं मैं, कभी इधर बोल रहा हूं, कभी उधर, कभी उधर। तो प्रेशर एक ऐसी चीज है जिसकी डायरेक्शन मल्टीपल है, वो इधर भी प्रेशर लगाता है, किसी पॉइंट पे प्रेशर इधर भी लगता है, इधर भी और इधर भी। प्रेशर की एक डायरेक्शन नहीं होती, स्ट्रेस की एक डायरेक्शन नहीं होती, स्ट्रेस और प्रेशर तो एक ही बात है। तो जिसकी एक डायरेक्शन होती है वो तो वेक्टर बन जाता है, और प्रेशर की वैल्यूज भी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट आ जाती है। तो इसीलिए प्रेशर जो या स्ट्रेस जो क्वांटिटी है वो उसकी, क्योंकि एक वेक्टर की डायरेक्शन तो बनी नहीं, मल्टीपल डायरेक्शंस हैं, मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, तो किस कैटेगरी में चला जाता है, टेंसर। ना तो पूरा वेक्टर बना ना ही पूरा स्केलर रहा। तो प्रेशर की डायरेक्शन भी है, प्रेशर यहाँ ज़्यादा है, वहाँ कम है, हम डायरेक्शन बताते हैं, लेकिन इसकी कोई एक डायरेक्शन नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो स्ट्रेस का एग्जाम्पल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जाम्पल है, हम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं अलग अलग बॉडीज का, डिस्क का करते हैं, एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक्सिस यहाँ लें कुछ और आएगा, यहाँ लें कुछ और आएगा, यहाँ लें कुछ और आएगा, बॉडी तो डिस्क ही है पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट आता है अलग अलग एक्सिस पे। तो ये एक टेंसर क्वांटिटी है क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, डिफरेंट एक्सिस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आपको समझा ही नहीं पाऊंगा क्योंकि आगे आने वाली चीज है, पर स्ट्रेस और प्रेशर से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो बस ये याद रखना कि वो क्वांटिटीज जिनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है या कोई भी डायरेक्शन हो सकती है एंड डिफरेंट वैल्यूज होती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, तो उनको हम क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटीज। तो टेंसर वर्ड बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता, नॉर्मली हम या तो स्केलर में काम करते हैं या वेक्टर में काम करते हैं, ठीक। फिक्स्ड वेक्टर, अब ये वेक्टर भी इतना इंपॉर्टेंट मैंने कभी यूज होता देखा नहीं है, जिसका नाम है फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर है द वेक्टर whose initial point is fixed, जैसे position vector, position vector का तो पक्का है ना कि उसका starting point आपको कहाँ मिलेगा, from origin से मिलेगा, और fixed vector है। तो आप कहोगे वो position vector नहीं है, नहीं उसका नाम position vector भी है, उसका नाम fixed vector भी है। तो इसलिए fixed vector ज़्यादा use ही नहीं होता, बस एक line देके मैं छोड़ रहा हूँ कि जिसका starting point fixed है वो fixed vector है। और ऐसी free vector क्या है, जिसका starting point fixed ही नहीं है, जैसे वो कह रहा है वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल, जब एक कार मूव कर रही होगी उसका वेलोसिटी वेक्टर कभी इधर है, फिर कार मुड़ गई तो वेलोसिटी वेक्टर इधर है, कार मुड़ गई वेलोसिटी वेक्टर इधर है, वेलोसिटी वेक्टर इधर है, फिक्स नहीं है। तो ये फ्री है, ये फ्री वेक्टर, ये भी ज़्यादा यूज नहीं होता, बस नाम का ही है। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कभी ऑब्जेक्टिव में काम आ जाता है। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर वो वेक्टर है जिसकी वैल्यू जीरो है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है। आपको कि फिर ये मतलब ये स्पेशल नाम इतना इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं इसे भाई, जीरो वेक्टर, इसने क्या किया खास? देखो मैं आपको समझाता हूँ प्रॉब्लम क्या है। मान लो कि एक कार है, उसकी वेलोसिटी है, सबको पता है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मान लो वेलोसिटी वेक्टर है 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर है 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस, क्लियर है यहां तक? मैंने आपको वैल्यू बताई, डायरेक्शन भी बताई। अच्छा मान लो गाड़ी चलती नहीं है, तो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है बोलो? जीरो। डायरेक्शन क्या है बोलो? कैसे, मूव ही नहीं कर रही, जीरो, नल, कोई डायरेक्शन नहीं। अब जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं तो बंदा सोचता है यार वो वेक्टर कैसे हो गया, है ना, वेक्टर कैसे हुआ। पर अगर मैं ये बोलता हूँ कि नहीं, अब चलो जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं वो वेक्टर नहीं, तो वेलोसिटी इज नॉट अ वेक्टर। फिर अगले दिन फिर बोलता हूँ ए कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर। एक फैसला कर लो, क्या वेलोसिटी वेक्टर है या नहीं है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर है, ठीक, फैसला हो चुका है आपसे, तो सिर्फ बता रहा हूँ आपको, तो ये तो दुनिया कर चुकी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर है तो इसकी वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है। तो अगर कोई कार चलती नहीं है आप बोलेंगे ये एक जीरो वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर इज अ नल वेक्टर, ना तो इसकी कोई वैल्यू है जीरो और इसकी डायरेक्शन कुछ नहीं है। तो
रहेगा ये वेक्टर की क्लासिफिकेशन में, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या नाम देंगे, कौन सा वेक्टर है? जीरो वेक्टर है। इस जीरो वेक्टर की इंपॉर्टेंस समझो और क्या है, क्यों किसी ने जीरो वेक्टर नाम का वेक्टर बना दिया, जबकि कुछ होता तो है ही नहीं, वैल्यू जीरो होती है वो जीरो वेक्टर है। एक बात बताओ, दो वेक्टर्स को अगर मुझे ऐड करना है, दो वेक्टर्स को ऐड करना है, वेक्टर का मतलब है जैसे फोर्थ वेक्टर को फोर्थ वेक्टर में ऐड करना है, तो आंसर भी वेक्टर ही आएगा, याद रखना। अलजेब्रा हम करेंगे वेक्टर का, दो वेक्टर्स को ऐड करके आंसर भी वेक्टर आता है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक क्वांटिटी तो वेक्टर है और एक क्वांटिटी स्केलर है, मतलब ये नहीं हो सकता कि 10 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस एक वेक्टर है, इसमें 5 को ऐड कर दो आंसर क्या आएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। पहली क्वांटिटी अगर वेक्टर है, वेक्टर का मतलब वैल्यू एंड डायरेक्शन, तो दूसरी क्वांटिटी जिसको ऐड कर रहे हैं वो भी क्या होनी चाहिए, वेक्टर, तो आंसर भी क्या आएगा, वेक्टर आएगा। स्केलर में स्केलर ऐड करेंगे तो स्केलर, वेक्टर में वेक्टर ऐड करेंगे तो वेक्टर, वेक्टर में स्केलर ऐड करेंगे नॉट अलाउड, ये नहीं हो सकता, वेक्टर स्केलर ऐड नहीं हो सकते, वेक्टर वेक्टर विल गिव वेक्टर, स्केलर स्केलर विल गिव स्केलर। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है यहां तक। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं दो वेक्टर्स बोलता हूं इक्वल हैं, मान लो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, और मैं बोलता हूं कि बी वेक्टर को लेफ्ट साइड ले आओ, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर राइट साइड पे क्या आएगा, जीरो, राइट साइड पे जीरो। अब अगर मैं अकेला जीरो लिख देता हूं, आप मुझे ये कहेंगे कि सर देखो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दो वेक्टर को माइनस करने के बाद एक वेक्टर आना चाहिए, वेक्टर अलजेब्रा ये बोलता है, दो वेक्टर को ऐड करने के बाद वेक्टर आएगा, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी वेक्टर आएगा। अब दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर मैं अकेला जीरो बोलता हूं, तो मेरा तो रूल ही वॉयलेट हो गया, मैं अभी तो आपको बोल रहा हूं दो वेक्टर को माइनस करके तो वेक्टर आएगा, इसलिए किसी ने क्या कहा, जीरो मत बोलो, आप क्या बोलो, जीरो वेक्टर बोल दो, नल वेक्टर बोल दो, कोई पूछे डायरेक्शन क्या बोल देना, पता नहीं कोई डायरेक्शन नहीं इसकी, पर बोलने के लिए आपको वेक्टर बोलना पड़ेगा, जीरो वेक्टर, ताकि आप वेक्टर का रूल वॉयलेट ना करें। हाँ वो सबको पता आंसर जीरो ही आएगा, क्लियर है यहां तक? तो जैसे ए वेक्टर में जीरो वेक्टर ऐड किया तो आंसर ए वेक्टर, वो तो पता ही है, पर मैं ये नहीं बोल सकता ना कि ए वेक्टर में जीरो ऐड किया तो आंसर ए वेक्टर, आपको क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि कल को आप मुझे बोल सकते हो कि जब ए वेक्टर में जीरो ऐड किया तो ए वेक्टर में कोई नंबर 5 ऐड कर दो, फिर रूल वॉयलेट हो गया, एक वेक्टर में कोई स्केलर ऐड हो नहीं सकता। अगर मैंने अकेला जीरो बोल दिया आपको सर हो तो रहे, तो इसलिए मुझे यहां क्या लगाना पड़ेगा, जीरो वेक्टर, चाहे आपको दिखाने के लिए या बताने के लिए, ताकि मैंने रूल वॉयलेट नहीं किया, अदरवाइज फर्क कोई पड़ता नहीं, जीरो तो जीरो ही रहेगा, लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्लियर है यहां तक? इसकी इंपॉर्टेंस है, नल वेक्टर ये होता है, हालांकि कम यूज होता है, बस पता होना चाहिए। ये एक टॉपिक है, क्या टॉपिक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे एक वेक्टर की बाय अ रियल नंबर। जो रियल नंबर है, जो रियल नंबर है वो स्केलर है। आप कहोगे अभी तो बताया वेक्टर में वेक्टर ऐड करके वेक्टर आएगा, वेक्टर में स्केलर ऐड नहीं हो सकता, और जबकि मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक वेक्टर को स्केलर से क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन लाउड है। वेक्टर में वेक्टर ही ऐड होगा, वेक्टर आंसर आएगा, वेक्टर में वेक्टर ही सब्ट्रैक्ट होगा, वेक्टर ही आएगा। वेक्टर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, वेक्टर स्केलर के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन में अलाउड है, मल्टीप्लीकेशन में वेक्टर विद स्केलर, वेक्टर विद वेक्टर दोनों अलाउड है। तो अगर मैं किसी भी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, ये रिजल्ट है। तो मान लो मेरे पास एक वेक्टर ए वेक्टर है, ए वेक्टर की जो डायरेक्शन या वैल्यू कितनी है 10, और डायरेक्शन कहाँ है, अलोंग नॉर्थ ईस्ट, राइट। तो मैंने ए वेक्टर की वैल्यू भी बताई और साथ में डायरेक्शन भी बताई, कर दिया। कोई कहता है कि इस ए वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, और वो नंबर क्या है, मान लो 2, तो मान लो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब आपने इसको किसी स्केलर 2 से मल्टीप्लाई किया तो एक नया वेक्टर आया 2a वेक्टर। 2a वेक्टर का मतलब ये होता है
कि जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 10 × 2 = 20। क्लियर है यहाँ तक? तो ए वेक्टर अगर 10 अलोंग नॉर्थ ईस्ट है और अगर मैंने ए वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड 10 × 2 क्या हो जाएगा 20। डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा। क्या ये रूल क्लियर है यहाँ तक? तो जैसे एक कार जा रही है विद अ वेलोसिटी वेक्टर जिसकी वैल्यू कितनी है 10 और डायरेक्शन कहाँ है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है यहाँ तक? तो इसकी वैल्यू कितनी है 10 और डायरेक्शन क्या है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है? मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, तो नया वेक्टर क्या आ गया 3v वेक्टर। 3v वेक्टर का मतलब है इसकी वैल्यू 10 को किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, तो वेलोसिटी कितनी हो गई 30, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं, तो डायरेक्शन पहले भी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस अब भी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यानी कि एक वेक्टर को जब स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर जाता है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं करता। रूल क्लियर है? तो ये बताओ अगर सपोज करो आपके पास एक वेक्टर है, मान लो ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर की जो वैल्यू है ठीक, ये वी वेक्टर है, इसकी वैल्यू है 10 m/s अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, मैं इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूं विद -3, तो बोलो वेक्टर, नया वेक्टर क्या होगा -3 वेक्टर, डायरेक्शन कहां होगी अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। एक बात बताओ, इसमें अगर मैं सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करता, सोचो अगर मैं यहां पे सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करता तो मैंने आपको क्या बताया, 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है, तो जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 3v वेक्टर आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 30, डायरेक्शन क्या रहेगी सेम अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन मैंने क्या किया -3 वेक्टर का क्या होगा उल्टा, तो माइनस साइन यहां पर क्या करेगा, -3v वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम 30, उसमें ये तो नेगेटिव होता ही नहीं 30, लेकिन अलोंग क्या आएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? यहां पर जो नेगेटिव लगेगा वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर देगा लेकिन 3 × 10 30 ही आंसर आएगा। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो अगर किसी वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड 3 times हो गया, लेकिन माइनस साइन क्या करेगा इसकी डायरेक्शन को भी क्या कर देगा चेंज कर देगा। कोई डाउट इसमें? वेलोसिटी नेगेटिव एक्चुअल में हो ही सकती, वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन चेंज है, हमने मोशन इन 1D में वेक्टर नहीं किए थे, मेरे पास कोई तरीका नहीं था बताने का, तो इसलिए मोशन 1D जब बिना वेक्टर के करते हैं और वेलोसिटी नेगेटिव आती है तो स्टूडेंट समझता है कि उसकी डायरेक्शन क्या हो गई उल्टी डायरेक्शन हो गई। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक? ठीक, अगर हम इसको, ये एक्चुअल वेक्टर है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड 30, डायरेक्शन सेम रहेगी, इसके साथ कंपेयर करना है, और अगर -3 करेंगे तो वैल्यू 30 लेकिन इसकी डायरेक्शन इससे क्या हो जाएगी ऑपोजिट, कंपैरिजन इसके साथ ही होना है।
ठीक ओके नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर. देखो यूनिट वेक्टर एक इंपॉर्टेंट वेक्टर है. यूनिट वेक्टर की क्या प्रॉब्लम है आपको बहुत ज़्यादा मैं यहाँ समझा नहीं पाऊँगा. यूनिट वेक्टर फॉर्मूला बताऊँगा, बस एक लाइन बताऊँगा, ख़त्म कर दूँगा. लेकिन यूनिट वेक्टर का असली जो यूज़ है वो नेक्स्ट से नेक्स्ट लेक्चर में होगा और पूरा लेक्चर यूनिट वेक्टर पे चलेगा. तो आपको उस दिन समझ में आएगा कि यूनिट वेक्टर में करना कैसे, इसको यूज़ कैसे करना है. अभी सिर्फ डेफिनेशन बता के छोड़ रहा हूँ, इसकी एप्लीकेशन नहीं बता पाऊँगा, ये क्यों बनाया गया ये भी बता नहीं पाऊँगा, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे ये. यूनिट वेक्टर नाम से ही पता लग रहा है कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा क्या होता है, वन. बस जैसे मान लो कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, कुछ भी, 10, 20, 30 कुछ भी. पर अगर मैं बोलूं यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा वन ही होगा. जैसे सपोज करो आपके पास कोई वेक्टर ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, ए वेक्टर की वैल्यू है 10 अलोंग एक्स एक्सिस, राइट. अब ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 10 है, डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस. पर अगर मैं ये लिखता हूं कि यूनिट वेक्टर निकालना है ए वेक्टर का, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज है. एरो नहीं लगता, क्योंकि आप कैसे बताएंगे कि यूनिट वेक्टर है, खास किस्म का वेक्टर है, इसके ऊपर कैप लगता है. तो ए वेक्टर की जगह क्या लगता है, ए कैप. जिसके ऊपर कैप लग गया बताने या पूछने की जरूरत ही नहीं है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, वन. जिसके ऊपर वेक्टर लग गया, देखो कैप का मतलब कुछ नहीं है, कैप का मतलब है इसकी वैल्यू वन है, लेकिन ये वेक्टर ही है, बस एरो की जगह कैप लग रहा है. खास किस्म का वेक्टर बना रहे हैं, क्योंकि ए वेक्टर का वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, ए कैप की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, लेकिन वैल्यू सदा ही वन रहेगी. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वन. पर क्योंकि कैप का मतलब ये वेक्टर ही है, ये नहीं है कि कैप लगने का मतलब कुछ और हो गया, कैप का मतलब मैग्नीट्यूड है, तो मुझे इसकी डायरेक्शन बतानी ही पड़ेगी अलोंग एक्स एक्सिस. तो ए वेक्टर भी वेक्टर है, ए कैप भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है. अब वेक्टर लगाओ, एरो लगाओ या कैप लगाओ, इसका मतलब दोनों क्वांटिटीज वेक्टर हैं, बस कैप लगने से दूर से पता लगता है इसका मैग्नीट्यूड वन है. और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछना पड़ेगा आपको मुझसे कि 10 है कि 20 या 30 है. तो जिन क्वेश्चन में एक कैप दूंगा उसमें हम उसे वैल्यू नहीं पूछेंगे, उसमें ऑटोमेटिकली वन पुट करेंगे. तो इसका कुछ खास सिग्निफिकेंस भी है. इस ए कैप किसी भी यूनिट वेक्टर को निकालने का एक फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में काम आएगा. क्या फॉर्मूला है, ए कैप अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी वैल्यू. तो ए कैप का मतलब क्या है, ए कैप इज इक्वल टू अ वेक्टर ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट मार्क करें. कैसे यूज करना है ये भी आज नहीं समझ में आएगा, ये भी दो लेक्चर के बाद समझ में आएगा, क्योंकि आज तो मैं बता के छोड़ रहा हूँ. लेकिन जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो न्यूमेरिकल में करके दिखाऊंगा कि देखा हमने यूनिट वेक्टर किया तो यूज कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगा. अभी के लिए आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, ये फॉर्मूला याद करना है. इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है थोड़ी लंबी स्टोरी है, अभी एक लाइन में समझाता हूं कि अगर आपके पास कोई ये ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर को मैंने कैसे लिखा, 10 अलोंग नॉर्थ ईस्ट. मैंने इसकी वैल्यू भी बताई और साथ में मैंने इसकी डायरेक्शन भी बताई, 10 अलोंग नॉर्थ ईस्ट, राइट. मैं ढूंढना चाहता हूं इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर. ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर मतलब ए वेक्टर तो बड़ा वेक्टर है जिसकी वैल्यू 10 है. ए कैप जो निकल के आएगा वो इससे छोटा वेक्टर होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1. तो मैंने क्या किया, मैंने डेफिनेशन यूज कर ली. ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, 10 अलोंग नॉर्थ ईस्ट. तो न्यूमिनेटर आ गया. डिनोमिनेटर में बताओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है, 10. 10 से 10 कैंसिल, तो क्या बचा, 1. ऑटोमेटिकली आंसर क्या आ गया, इसका मतलब डेफिनेशन सही बनाई किसी ने कि एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कैंसिल होकर हमेशा आंसर क्या देगा, 1. और इसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो ए वेक्टर की डायरेक्शन है. तो अगर ए वेक्टर नॉर्थ ईस्ट है, ए कैप भी नॉर्थ ईस्ट होगा, क्योंकि ए कैप ए वेक्टर से ही निकला हुआ एक वेक्टर है. क्लियर है यहां तक? तो
आपको इस पूरी डेफिनेशन में या इस टॉपिक में आज सिर्फ दो ही चीजें याद करनी है। पहली, किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैंने मॉड लगा दिया, मॉड का मतलब आई डोंट नीड एनी डायरेक्शन, ओनली वैल्यू। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1। बी कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, 1। सी कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, 1। और दूसरा क्या याद करना है, ये फॉर्मूला, दो चीजें। और तीसरा, यूनिट वेक्टर डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के काम आती हैं। डायरेक्शन, जैसे ए वेक्टर इस तरफ है, अगर मेरे को सिर्फ डायरेक्शन डायरेक्शन बतानी है तो मैं कहूंगा कि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन देख लो, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, तो एक्चुअल वेक्टर की डायरेक्शन भी नॉर्थ ईस्ट ही होगी, क्योंकि यूनिट वेक्टर बन तो कहां से रहा है, एक्चुअल वेक्टर से रहा है। पर इसको यूज कैसे करना है वो अभी नहीं समझ में आएगा, बस अभी ये फॉर्मूला याद करके रख लो, जब नेक्स्ट से नेक्स्ट लेक्चर होगा तो जब मैं यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस करूंगा तब आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। अभी बस फॉर्मूला सफिशिएंट है, इसके ऊपर ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट वेक्टर एडिशन। जब भी कोई लेक्चर चलेगा वो एनसीईआरटी से स्टार्ट होता है। ठीक, एनसीईआरटी का मतलब एक सिंपल लेवल है ना, आपने देखा होगा मोशन भी स्टार्ट हुआ, शुरू शुरू में ठीक लगा, हाँ ठीक है ना, कैलकुलस तो चलो एक फ्लैट है उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो मोशन स्टार्ट हुआ, पहले नीचे से स्टार्ट हुआ, डेरिवेशंस हुई, फिर ऊपर।